बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग अपने 9th, 10th, 11th और 12th के मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रमोशन आप लोगों की किस तरह होगी, आप लोग अपने प्रमोशन मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा, साथ ये भी बताऊंगा कि जो लोग इम्प्रूव कर रहे थे उन वो लोग अपने कैसे मार्क्स प्रमोशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ये भी मैं उन लोगों को बताता चलूंगा कि जिन लोगों की सप्ली थी उनको कैसे प्रमोशन मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रपोजल फॉर SSC एंड HSC एनुअल एग्जामिनेशन 2020। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th क्लास की। जिन बच्चों के 9th में जितने नंबर आए थे, आप लोगों ने 9th के नंबर जमा जितने नंबर आप लोगों ने 9th में लिए थे और टोटल नंबर आप लोगों ने तकसीम कर लेने, ज़रब 10 से आप लोगों ने 10 से उससे ज़रब देनी है, तो आप लोगों के जितने मार्क्स बनेंगे वो आप लोगों के प्रमोशन मार्क्स हो जाएंगे 10th में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 12वीं क्लास की। जितने मार्क्स आप लोगों ने पार्ट 1 में लिए प्लस आप लोगों के जितने पार्ट 1 में थे तकसीम आप लोगों ने टोटल मार्क्स के करनी है, ज़रब 10 आप लोगों ने ज़रब 10 से देनी, तो जितने मार्क्स आप लोग कहेंगे आप लोगों के प्रमोशन मार्क्स होंगे। इम्प्रूवमेंट क्लासेस के लिए दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि जो लोग मैट्रिक और इंटर की क्लासेस को इम्प्रूवमेंट के पेपर देना चाह रहे थे, वो उन लोगों के जितने मार्क्स आए थे प्लस, यानी कि जितने मार्क्स उन्होंने लिए थे प्लस फिर आप लोगों ने जितने मार्क्स लिए थे टोटल मार्क्स है उसको तकसीम करनी है, ज़रब 20 से ज़रब देनी है आप लोगों ने। जितने मार्क्स आप लोगों के बनेंगे वो आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के प्रमोशन मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेता हूँ 9th क्लास की। दोस्तों 9th क्लास के पेपर्स आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के 9th के पेपर्स जो हैं स्किप हो गए हैं इस साल। आप लोगों के 10th क्लास के जो पेपर्स 2021 में लिए जाएंगे उसकी मार्क्स की बेस पर आप लोगों को 9th के नंबर दिए जाएंगे। आप लोगों को बता दें जितने नंबर आप लोग 10th क्लास में लेंगे 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में, आप लोगों के टोटल मार्क्स जितने आप लोग 10th में लेंगे तकसीम टोटल मार्क्स ज़रब 10 आप लोगों को 10 से दीजिए, जो आप लोगों के जितने नंबर आएंगे वो आप लोगों के प्रमोशन कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा, आप लोगों को एक ये भी चांस हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों के 9th और 10th की क्लास के पेपर्स कंपोजिट भी लिए जा सकते हैं 2021 में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेता हूँ पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की। दोस्तों पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स वो अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनका जब एनुअल एग्जामिनेशन होगा पार्ट 2 का 2021 में, वो जितने मार्क्स लेंगे तकसीम पार्ट 1 के टोटल मार्क्स ज़रब 10, या फिर दोस्तों एक उन्होंने एक सजेशन ये भी दी है, प्रपोजल ये भी दी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपोजिट पेपर लिए जाएंगे 2021 में। सप्ली के स्टूडेंट्स दोस्तों जो लोग फेल्ड हैं यानी कि पेपर्स में फेल हैं वो कैसे अपने नंबर कैलकुलेट करेंगे उनका मैं बता देता हूं। दोस्तों जितने नंबर्स उन्होंने पीछे लिए थे प्लस, यानी कि जितने नंबर्स उनके पहले थे प्लस आप लोगों ने फिर जितने नंबर लिए थे तकसीम उसको टोटल नंबर से देनी, ज़रब 15 से आप लोगों ने ज़रब देनी है, तो आप लोग जितने मार्क्स आएंगे वो आप लोगों के प्रमोशन मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपने एक मार्क्स कैलकुलेट करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के मार्क्स कैलकुलेट करके आप लोगों को बता सकता हूं कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।